पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में स्मॉग लॉकडाउन के दौरान मुतादित कारोबार खुले रहेंगे। स्टोर, बेकरीज, गोश्त, सब्जी, फ्रूट की दुकानें खुली रहेंगी। डीसी लाहौर राफिया हैदर के मुताबिक शहर भर में शादी हॉल्स, फार्मेसी, अस्पताल, हॉस्पिटल से पेट्रोल पंप्स, ग्रॉसरी स्टोर्स, बेकरीज, गोश्त, सब्जी, फ्रूट की दुकानें खुली रहीं। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे अफजाल तालिब से। अफजाल, क्या सूरत हाल रही अब तक? हाँ जी बिल्कुल, चूंकि स्मॉग की बिगड़ती हुई सूरतहाल के पेश नज़र हुकूमत पंजाब के फैसले के बाद अजले इंतजामिया, तफज माहौलियात और दीगर जो लाई महकमे हैं वो सरगर्मी अमल है ताकि लाहौर में जो है अभी जुजवी लॉकडाउन, चूंकि जो आज के दिन है वो चूंकि 9 नवंबर है और सरकारी छुट्टी है, लेकिन इसके बावजूद शहर में ट्रैफिक का जो रुझान है वो कदरे कम देखने में आ रहा है। अलबत्ता मार्केटें जो है वो सारी तकरीबन खुलती जा रही हैं और लोगों की खरीदारी का सिलसिला भी जारी है, जो प्राइवेट अपनी गाड़ियों पर जो लोग आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो कल भी जो है ताजरों कहना है कि चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये जुमेरात और जुमे को जो है वो छुट्टी दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है, तो जूँ 2 दिन मार्केटें खुली रहेंगी। अलबत्ता गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी ये है कि हुकूमत चाह रही है कि कम से कम 3 दिन जो है वो लॉकडाउन किया जाए। इस हवाले से हुकूमत और ताजरों के दरमियान जो मुज़ाकरा का सिलसिला भी जारी है, तो इस हवाले से अब देखना चाहिए कि अब शाम तक क्या सूचना है कि कल दुकानें खुलती हैं या नहीं खुलती। इसके अलावा 2 हफ्ते को और इतवार वाले दिन जो है मुकम्मल लॉकडाउन की हदायत जारी की गई है। उस रोज जो है तकरीबन लाहौर में की जो है तमाम सरकारी गैर सरकारी दफातर के साथ साथ जो है पार्क, सिनेमाघर जो है वो बंद रहेंगे, जो है मार्केटें बंद रहेंगी, ताजर कमर्शियल गैर कमर्शियल जो जाती मरा वो बंद रहेंगे। अलबत्ता ये है कि शादी हाल जो है वो और ग्रोसरी स्टोर, पेट्रोल पंप और छोटे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल जो है और फ्रूट शॉप की दुकानें जो है इस तरह जो जरूरत है जिंदगी के अशिया है वो उस 2 दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि चूंकि हुकूमत की तरफ से वाजे हदायत जारी कर दी गई है कि जो जरूरत है जिंदगी की अशिया है जिसमें बैटरी स्टोर है वगैरह वो खुली रहेंगी, अलबत्ता पेट्रोल पंप और फार्मेसी वगैरह खुली रहेंगी, बाकी तमाम दुकानें जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन होगा। उसके साथ पुलिस के साथ मिलकर लाजम किया जाएगा, मुख्तलिफ मार्केटों में जो है वो नकल लगाए जाएंगे, क्लोज सर्कल कैमरों की वजह से सेफ सिटी के अदारे से भी जो है वो जो तावन किया जा रहा है, उनके साथ मिलकर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। यूं जो है हफ्ते और इतवार को शहर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा और शहर में इंटरसिटी बस के हवाले से जो अवाम चला था लेकिन अभी उनसे ट्रांसपोर्ट से बढ़ी है, तो लाहौर शहर में के दाखिली और खारजी रास्तों पे की तरफ बाहर लाहौर में आने वाले और जाने वालों के लिए ट्रैफिक का निजाम खुला रहेगा। बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब।